कांग्रेस के राज्यसभा सांसद ने भाजपा को बताया गोडसे की विचारधारा वाली पार्टी, केंद्र सरकार को कहा संवेदनहीन। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने आज कृषि कानून बिल को लेकर किए जा रहे किसान आंदोलन के समर्थन में स्थानीय राजनिवास में पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को गोडसे की विचारधारा वाली पार्टी करार दे दिया और कहा कि वर्तमान की मोदी सरकार संवेदनहीन है और संवेदनहीनता के कारण किसानों से बात सुनने को तैयार नहीं है। वहीं सांसद ने कृषि कानून बिल को लेकर आंदोलन का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर कई निशाने साधे। प्रस्तुत है आयोजित पत्रकार वार्ता के अंश। सरकार के मोदी जी की नियत नहीं है, किसानों के विपरीत नियम है। वो चाहते हैं कि किसानी का धंधा पूंजीपतियों के हाथ में चला जाए। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र, बहुत बड़ा षड्यंत्र है और वो चाहते हैं कि दो वर्ग हो जाएं। एक पूंजीपति का हो जाए जिनकी सारी जमीन सब तो हाई है, उद्योग धंधा वगैरह सब के, खेती भर बची, ये भी उद्योगपति की हो जाए, उनके हाथ में चली। तो चंद पूंजीपति ये चाहते हैं कि ये अधिकार किस तरह से हमारे हाथ में आ जाए। जिस दिन रोटी का भी अधिकार उनके हाथ में चला जाएगा, वो समय इस देश की हालत क्या होगी कल्पना नहीं की जा सकती है। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए पैसा कौन देगा? किसान तो पैसा देगा नहीं, छोटा व्यापारी पैसा देगा नहीं, तो जो चार छः बड़े व्यापारी हैं यही पैसे देंगे और यही माने सब करने के लिए उनसे फंडिंग हो रही है। उनका एक मिली भगत यह है कि किस तरह से हमारे सेक्टर हाथ में आ जाए। और इसके बुनियाद में बड़े सुनियोजित तरीके से मोदी जी ने प्रयास करते करते, आज की पृष्ठभूमि नहीं है ये, जब सत्ता पे आए थे तभी से पृष्ठभूमि बननी लगी थी कि किसको किस तरह से समाप्त किया जाए और इस क्षेत्र को पूंजीपतियों के हाथ में सौंपा जाए, ये पहले से। और इसके बुनियाद में बड़े सुनियोजित तरीके से मोदी जी ने आज की पृष्ठभूमि नहीं है ये, जब सत्ता पे आए थे तभी से पृष्ठभूमि बननी लगी थी कि किसको किस तरह से समाप्त किया जाए और इस क्षेत्र को पूंजीपतियों के हाथ में सौंपा जाए, ये पहले से बनना रही थी। AFCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ही जो है किसानों का गल्ला खरीदी थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदती है। अब ये कैसे ख़त्म हुई? जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने यही किया था कि अपने सामान पर उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया और जो हिंदुस्तान का सामान था उसमें दो गुना टैक्स बढ़ा। उन्होंने नहीं, अंग्रेजों ने ही कहा कि हम तुम्हारे उद्योग बंद कर देंगे, तुम्हारा प्रोडक्शन नहीं खरीदेंगे, इसका बहिष्कार करेंगे, नहीं कहा था, ये सब रहेगा। लेकिन नीत के साथ उन्होंने बंद किया कि अपने को टैक्स फ्री कर दिया, हिंदुस्तान के सामान पर 3 गुना टैक्स लगा दिया। जब टैक्स लगा दिया तो यहाँ का माल बिकना बंद हो गया, तब यहाँ के मार्केट सब खत्म हो गया, सारा सिस्टम खत्म हो गया और उनका व्यापार धड़ल्ले से चल रहा। इसी वजह से FCIS दिवालिया होने की कगार पे है कि पूंजीपतियों को रहेगी लेकिन ये भी मंडी रहेगी। अब ये करेगी, मान लीजिए कि किसान 200 रुपये ज़्यादा पा रहा है तो किसान कहाँ जाएगा सामान बेचने? प्राइवेट मंडी में जाएगा इनके। तो जब प्राइवेट मंडी में जाएगा तो हमारी सरकारी मंडी तो आपसे आप ख़त्म हो जाएगी, वहाँ कोई आवेदन करेगा और मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, वो आपसे आप समाप्त हो जाएगा जब 200 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। और जब हमारा सिस्टम ये ख़त्म हो जाएगा वो समय पूंजीपति कहेगा कि अब हम 200 रुपये बढ़ा हुआ नहीं दे सकते, हम 200 कम में देंगे। वो समय किसान क्या करेगा, उस समय सरकार क्या करेगी? सरकार इसका जवाब नहीं देते, गोल मटोल बातें करती है कि वो रहेगी, हम गारंटी देते हैं कि रहेगी। तो इस तरह से इस सिस्टम को ख़त्म करना चाहती सरकार। ये सरकार की नियत कृषि के प्रति, किसान के प्रति ठीक नहीं है। आधार पर कि किसान का शोषण नहीं हो, किसान को कम से कम माने न्याय मिले, तो अगर ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस का है तो उसको कानूनी जामा पहना दो, पूंजीपति रहेगा, मंडी उसकी रहेगी, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम में अगर कोई खरीदेगा तो उसको जेल का भी प्रावधान होगा। अब बाकी अपने हिसाब से मनमर्जी करें, ये सरकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बहुत अहम मुद्दा है किसानों का, आज इसी वजह को लेकर के किसान सड़क पर। इनकी संवेदना देखिए, 100 से अधिक किसान अपनी जान गंवा गए, किसी ने आत्महत्या कर लिया, किसी के मृत्यु हो गई, लेकिन एक सामान्य मृत्यु भी होती है तो प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं और मंत्रिमंडल के साथ ही ट्वीट करते हैं
कि हम इस दुख में तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, ये लड़ाई अपने हक अधिकार की अलग है, लड़ रहे किसान लड़ रहे हैं, ठीक है आप उसके पॉलिसी के विरोध में हो, लेकिन इंसानियत के नाते इतना तो होता है कि कम से कम संवेदना तो व्यक्त कर दीजिए। गवर्नर साहब का घुरा है, उसमें अधिक से अधिक लोग पहुँच रहे हैं और बॉर्डर पर भी हर प्रदेश से, हिंदुस्तान के हर कोने से किसान पहुँच रहे हैं और वहाँ पर इसका विरोध कर रहे हैं।